जी, ये 86 जो इलेक्टेड आए हैं जी, दे वर नॉट इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट्स, द वोटर हैड वोटेड फॉर देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई। नाउ द मोस्ट फंडामेंटल राइट एंड अ पॉलिटिकल राइट जिसके ऊपर एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, दैट इज द राइट टू वोट। एंड नाउ द पार्टी कैन नॉट वायलेट दैट राइट टू वोट बाय गेटिंग द वोट्स फ्रॉम द पीपल इन द नेम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एंड देन गोइंग एंड ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी विच हैज not secured any seat. It will be an interpretation. Okay, what if we join the party with one seat or a party which is contested? But why any seat? Dekhana, you are not answering the question. Sir, may I ask him, why was there a need for 86 members, yes, who were elected as members of a political party to go and join one person? Sir, I know where my lord is taking me, and I am a little hesitant to go there, because my feeling is that if we are treated as independents, and if the choice that we have made as independents, and I can assure my lord that when we were campaigning, we had different symbols, so the electorate had no confusion that we are contesting as independents, even though we may have the backing of the PTI. So in law, when we got elected, we were elected in law as independents. I'm not talking of the reality or the morality of the situation. In law, we were independents, and therefore we had the choice within 3 days to join a party. And we've joined a party, and that party now is the Sach party for the purposes of the proportional representation. That I is, completely that understand not, what that my lord is saying. That is not Sach party. You dekh lete hain, phir dekh lena. Dekhiye, Sach ka jo lafz hai, it alludes to... Aap main article ko to apni padh raha, proviso pe. Main ko bhi padh raha hoon. Lekin main mein kaha hai, आप एक मिनट के लिए प्रोवाइजो को छोड़ देते हैं। आप सिंपल मेन में पढ़ ले, वो क्या कहता है? मेन ये कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लिस्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स सिक्योर्ड बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द प्रोविंस कंसर्न्ड इन द नेशनल असेंबली। आप समझ लें कि हमारे मुख्तलिफ मिसालें हम दे रहे हैं, आप ये समझ लें कि असेंबली में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है तो क्या ये जो ऊपर का पोर्शन है, इसका क्या मकसद है? रुक जाए, वो पार्टी जिन्होंने सीट सिक्योर जी मैर्स कर उसकी बुनियाद पर तकसीम मैर्स करता हूँ। सो द वर्ड सिक्योर्ड इज नॉट डिफाइंड। फिर रिफ्रेश करता हूँ, शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिफ्रेश करता हूँ इस तरह कि सपोज कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं, ठीक है, मुख्तलिफ पार्टीज ने मुख्तलिफ सीट ली, जो अगर कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो प्रोवाइजो तो खत्म हो गई, सिर्फ इससे काम चलेगा ऊपर वाले। बिल्कुल ठीक है, प्रोवाइजो उस वक्त आती है कि जब जितनी सीट किसी ने ली है उस इंडिपेंडेंट आ गए, इंडिपेंडेंट उसमें शामिल होंगे। ये प्रेरोगेटिव सिर्फ उन पार्टीज को दी गई जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आपके हाथ में है, योर लॉर्डशिप्स विल इंटरप्रेट। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, यू कैन इंटरप्रेट द वर्ड सिक्योर्ड यूज इन द मेन पार्ट ऑफ दिस क्लॉज एज इंक्लूडिंग द सीट्स दैट कम थ्रू द प्रोविजो। ये एक मुमकिनात में शामिल है बात। एंड माय लॉर्ड जस्टिस मंसूर अली शाह इज आस्किंग मी अगेन एंड अगेन दैट इफ वी सो इंटरप्रेट इट, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज थेरबाय वायलेटेड? एंड माय आंसर इज नॉट ओनली दैट नो प्रिंसिपल इज वायलेटेड, इन फैक्ट प्रिंसिपल्स हेल्ड डियर आर प्रमोटेड। नाउ लेट मी वेरी क्लियर, मेरे ख्याल यहां पे वायलेशन की बात है। मैं जैसे जहां तक मैं समझा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वायलेशन, देयर इज क्वेश्चन ऑफ फैसिलिटी गिवन टू द पार्टीज हु वन द सीट। नहीं सर, मैं